दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज़ और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल की एक नई ऐसी ट्रिक जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, या एक ऐसा फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा मुझसे कि भाई मुझे जो मेरा सेल्स अमाउंट है, मुझे वो लास्ट 7 डेज जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। जैसे आप देखें कि एक जगह सेल अमाउंट पड़ा है और एक जगह डेट है। ये फ़िलहाल हमने एक छोटी टेबल ली है, ये बड़ी भी हो सकती है। तो इसमें लिखा है हाउ टू ऐड लास्ट 7 डेज सेल्स अमाउंट, इफ़ वी ऐड न्यू डेट देन आल्सो चेंज योर टोटल अमाउंट। तो हम शुरू करते हैं इसको। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो हमारे लगातार मिलते रहें। और वीडियो आपका अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। देखें, वीडियो में हम शुरू करेंगे इसमें एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको लास्ट के 7 दिन जो होंगे, ये नहीं कि वो 7 सेल्स होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 18 तारीख है और ये 14 तारीख है। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये आपको आंसर देगा लास्ट 7 डेज के अकॉर्डिंग। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जैसे भी होगा वो आंसर देगा आपको। अब हमने करना यह है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे बराबर सम इफ्स। सम इफ्स में ले लेंगे सबसे पहले हम सम रेंज। हमने पूरी बी वाली रेंज ये ले ली, कोमा। अब इसका जो हमने क्राइटेरिया लेना है, क्राइटेरिया रेंज वन, यानी इसकी जो क्राइटेरिया रेंज वन लेनी है वो ये वाली लेनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक में हमने क्राइटेरिया लगाना। अब हमारा क्राइटेरिया जो होगा वो होगा कि इसमें सबसे मेन बात हमें जो देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा इसमें मैक्सिमम डेट। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला। लेकिन मैक्सिमम के फॉर्मूले से पहले हम यहाँ पे लेंगे इन्वर्टेड कोमा, लेस देन इक्वल, और फिर से इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। यानी जो मैक्सिमम डेट है उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि आपका इससे छोटी या बराबर, या फिर हम ले लेंगे मोर देन और इक्वल, मोर देन और इक्वल। फिर इसके बाद हमने ले लिया एंड। तो आप देखेंगे ये एक सम रेंज हो गई, ये क्राइटेरिया रेंज हो गई, और ये एक कंडीशन हो गई हमारी जो इनके बीच में आएगी। और साथ ही साथ इसके बाद शुरू करेंगे हम मैक्स फार्मूला। मैक्स ब्रैकेट, मैक्स ले लेंगे हम ये वाले सेल में। तो आपने देखा जब हम इसको मैक्स लेंगे तो ये मैक्स क्या करेगा, सबसे बड़ी यानी सबसे जो लास्ट डेट होगी उसको बता देगा। अब हमने क्या कि सबसे लास्ट से बड़ा, तो इसमें क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे। जैसे कि 7 दिन का आपने लेना है तो 6 माइनस कर लेंगे आप इसमें, तो ये हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि 6 माइनस करने के बाद ये क्राइटेरिया होगा, इसको एंटर मारेंगे आप तो आप देखेंगे ये आंसर आएगा। अब ये आंसर कैसा आया कि जो लास्ट सबसे मैक्सिमम, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मैक्सिमम कौन सा है इसमें। मैक्स का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर तो इसने बता दिया हमें, इसको हम ले लेते हैं डेट में 9/18। अब अगर हम इसमें से माइनस करते हैं 6 तो 9/12, यानी ये वाली वैल्यूज़ हमारी जो होंगी ये सब को अगर हम जोड़ा जाए, अब हम क्या करते हैं इन सबको जोड़ के देखते हैं। बराबर सम ब्रैकेट, इन सबको जोड़ते हैं तो आप देखेंगे ये आंसर आ गया। तो अगर आपने डेट वाइज लेना है, अच्छा इसमें आप और कंडीशन भी दे सकते हैं कि जैसे इस डेट से इस डेट तक लेना है तो वो भी कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन यहाँ पे यही पूरी हो गई कि हमने ये पहला कॉलम सम रेंज का ले लिया। सम रेंज देखेंगे आप, क्राइटेरिया रेंज वन, और इसका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में हमने दिया है कि लास्ट जो 7 डेज है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है
18 तारीख, उससे हमने 6 घटा दिए तो यानी यहाँ पे आ गया 12-9। अब 12-9 से आगे जो भी होंगे उन सब का टोटल कर देगा, तो आप देखेंगे ये इसने टोटल कर दिया और ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया 12-9। अभी मैंने क्या करा यहाँ पर 9, 15, 18 कर दिया, तो आप देखेंगे आंसर यहाँ पे बदल गया लेकिन यहाँ पे नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगाया और सम के फॉर्मूले में क्या है, इसने यहाँ तक ही लिया इसने, और ये वाला जो आंसर है इसमें लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इन 7 का जो आंसर लेंगे हम तो वो ये आएगा। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा B10 से, तो आप देखेंगे ये और वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।